पहले ही बहुत वधिया प्रबंध आ जिहड़ा अज दे साडे प्रोग्राम दा साडे पिंड वाले वीर साडे कोल पहुंच चुके आ होर भी साडियां भैणां कुछ आ गईआं कुर्सियां लगियां होईआं बेनती करदे आ कि ओह अगे आ के आपदियां कुर्सियां ते बैठो साडे बहुत ही सत्कारयोग साडे बच्चे प्राइमरी स्कूल दे ते साडे वड्डे स्कूल दे ओह साडे दरमियान पहुंचे हुए आ ते पिंड वाले भी साडे भैण भरा जिहड़े ओह साडे कोल आ गए आ हुण असीं प्रोग्राम की शुरुआत कर जा रहे हैं। मैं आपके बहुत ही सत्कार जो प्रिंसीपल सरदार दलबाग सिंह तो आग्ञा चाहता कि असी प्रोग्राम शुरू करिए दो मिनट जी हूँ आग्ञा के लिए सरदार दलबाग सिंह जी प्रिंसीपल सीनियर सैकेंडरी स्कूल बहुत बहुत रिस्पेक्ट स्टाफ मैंबर्स committee members, students, parents, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ कमेटी के सहयोग नाल इस फंक्शन नूं होर भी वड्डा कर लिया वा। इस विच पहली दूसरी तीसरी फर्स्ट सैकेंड थर्ड पोजिशन लैण वाले बच्चों का सन्मान किया जाऊगा। अज दा फंक्शन अरेंज करन दा मेन मकसद है एक लगातार अपने स्कूल की जिहड़ी आ गिनती घटती जा रही प्राइवेट स्कूलों च गिनती वध वा सरकारी स्कूलों च गिनती जिहड़ी घट वा बच्चों के पेरेंट्स नूं बुलाउण दा मेन मकसद इहो ही आ वी साडे स्कूल जिहड़े प्राइवेट स्कूलों चों किसी भी तरह घट नहीं आ वैल क्वालिफाइड स्टाफ 50% जां बाव जिहड़ा स्टाफ मेरे कोल है एमए एमएससी हैगा स्पेशल क्वालिफिकेशन उन्हां को बीए बीएड एमएड ते हैगी हैगी है जिवें मेरे कोल विशव जी हैगे आ इन्होंने मैनूं कहा सारे आपां ना प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले च इस स्कूल नूं लिआउणा वा उन्होंने मैनूं स्पैशली कहा भी आपां इस फंक्शन ते बच्चों के पेरेंट्स बुला के बच्चों की कारगुजारी उन्होंने सामने दर्शाइए साडे स्कूल च कड़ियां फैसिलिटीज़ हैगियां उन्हां तो बच्चों के पेरेंट्स नूं जाणू करवाया जाए जिवें 10-12 साल पहला की गल करिए तो साडे कोल समार्ट क्लासरूम नहीं सी हैगे हुण साडे कोल समार्ट क्लासरूम हैगे आ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 70-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਲੱਗੇ ਆ। ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ ਆਰ ਓ ਟੀ ਲੈਬ ਆਰ ਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਫ੍ਰੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੁਫਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਵਰਦੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ 3 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ 'ਤੇ ਵੀ 3 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ ਚੈੱਕ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
अखीर विच सारियां दा इत्थे पहुंचण ते मैं सम्मान करदा जी आया कहिंदा नाल आस करदा हां कि असी सारे अपने बच्चों का दाखला इस साल इस स्कूल विच करवाईए। उहदा एक खास कारण हैगा कि वन टू जिहड़ा है अपना पंचायती आपां सारे जानते हैं पिछले समय इस करके नहीं हो सकिया कि अपनी गिनती घट सी वन टू की। वन टू च गिनती तां ही वध होगी जे लोअर क्लासिज जिहड़ियां उहनां विच गिनती वध हो। आपां चाहुंदे कि स्कूल नूं रैगूलर करवाया जाए। परजियां है, सिंहपुर है, ये स्कूल पहला पंचायती सी, उन्हां च गिनती वध आ, उन्होंने रैगूलर करवा लिया, आपां पिछे रह गए। हुण भी समां वा, आपां होर समां ना वेस्ट करिए। मेरा सद्दा सारे पेरेंट्स नूं अपने बच्चे जिहड़े आ इस स्कूल विच दाखल करवाइए। थैंक यू सरदार दलबाग सिंह जी ते मेरा समूह स्टाफ साढ़े साथी जिहड़े पुराने सज्जन सी साढ़े जिहड़े साथी मेरे नाल टीचर ने मेरे उन्हां नूं असीं मैं विशेष तौर पर उन्हां दा धन्नवाद करदा जिहड़े इन्ने देर तो साढ़े नाल जिहड़े जुड़े हुए आ। सरदार गुरदीप सिंह जी साढ़े पुराने टीचर ने जिहड़े ते होर साढ़े जिहड़े अध्यापक दे विच्चों साढ़े बहुत ही सत्कारयोग साढ़े सैफ दे अध्यापक राजन जी साढ़े संजोग दे विच साढ़े स्कूल नूं अगे लिजाण लई साढ़े कोले ड्यूटी उन्हां ज्वाइन कीती आ। उस तों बाद मैं धन्नवाद करदा साढ़े बहुत ही सत्कारयोग मास्टर विश्व भानू जी जो इंग्लिश टीचर है ते नाल ही मैं धन्नवाद करदा साढ़े जिहड़े पीटीए टीचर आ सीनियर साढ़े कुलदीप सिंह जी उन्हां दे नाल साढ़े जिहड़े मैडम अमन जी ते मैडम बलजीत जी जिन्हां ने साढ़े स्कूल नूं बहुत ही संजोग दिता। सब तों वध नाल ही मैं प्राइमरी टीचर साढ़े मैडम नीरू जी जिहड़े साढ़े बहुत शुरू तो इस पिंड नाल जुड़े हुए आ उन्हां दे भी असीं बहुत धन्नवादी आ क्योंकि देखिया वा जदों कोई भी आपां पौधा लाउणे आ जां कोई भी जिहदी आपां छां लैणी हुंदी उह शुरुआत हुंदी पहलां चंगी होवे ते फिर ही। प्राइमरी अध्यापक साढ़े बहुत पुराने इत्थे जुड़े हुए आ वो बच्चों की पनीरी तैयार करते जो बच्चे साढ़े को आते अगे छेवीं क्लास के साथ बहुते बच्चे साढ़े प्राइमरी स्कूल के होंगे आ उन्होंने भी धन्यवाद करते हैं। उस तो अगे मैं साढ़े बहुत ही सत्कारयोग मान योग साढ़े पिंड वाले मेरे वीर मेरिया भैन जिहड़ियां साढ़े दरम्यान पहुंचे हुए आ उन्होंने असं बहुत ऋणी हाँ जिन्हां साडियां कमियां दे विच मोढे नाल मोढा ला के संजोग दिता। अज असी इस बाबूपुर स्कूल नूं बहुत अगे लै गए आ ते आस भी करते आ कि होर भी अगे असी वधांगे। ते उस तो बाद मैं बच्चियां नूं मुबारकबाद भी दिंदा क्योंकि अज सारे साल की मेहनत जिहड़ी आ तुहाडी थोड़ी देर च तुहाडे सामने आ जाणी आ। अज तुहाडा रिजल्ट आ सारे साल दे मेहनत दा रिजल्ट आ। असीं आस करदे सारे बच्चे पास होणगे तुहानूं खुशी होगी। मैं बच्चियां दे साडे बहुत सत्कारयोग बच्चे आ बहुत वधिया बच्चे आ कदी भी साडे स्कूल दी कदी कोई कंप्लेंट नहीं आई। मैं इन्हां दा धन्नवादी साडे कहत जिहड़े चलदे आ। होर बाकी मैं गल करदे आ पिंड वाले पहला भी इन्हों पता ही है जेडे साडे पुराने टीचर आ उन्होंने सत्कार ते नव्यां नूं भी बहुत असी जिहड़ा साडे दरम्यान आउंदे रहिंदे आ उन्होंने असी कदी भी फर्क नहीं रखिया हमेशा आपदे बना के भैन भरां वांगू पिंड वाले भी ते असी समूह स्टाफ जिहड़े पुराने बंदे बैठे आ रल के एक टीम वर्क बना के काम करदे आ ते करदे रहांगे। अगली गल एक गल तां आपां नूं पता ही है दूर वाले जिहड़े टीचर अपने कोले हुंदे आ
ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕੋਈ 2-4 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਢਾਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕੀਏ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀਏ ਆਖਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਆ ਕਮੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਣਾਤਾ ਬਾਹੂਪੁਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸੈਂਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਜੋਬਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਈ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਬਾਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਕਤ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਈ ਸਾਡੇ ਕਲਾਸ ਪਲੱਸ ਟੂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਬ 'ਚ ਲੱਗਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਆਓ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਨੂ ਜੀ ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਚਰ ਨੇ ਆਓ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸਟੇਜ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਲੈਪਿੰਗ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਪੀਟੀਐਮ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਟੀਐਮ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੋ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੀਟੀਐਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੀਟੀਐਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਟੀਚਰ ਮੀਟ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਪੇ ਮਿਲਣੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ 6 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ 18 ਘੰਟੇ ਬੱਚਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ
ਤੇ ਉਹ 18 ਘੰਟੇ ਜਦ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀਕ ਹੈ ਕਿਸ ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਪੇ ਮਿਲਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨਲਾਇਕ ਤਾਂ ਨਲਾਇਕ ਰਹੇਗਾ। ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜੀ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਲਾਇਕ ਤਾਂ ਨਲਾਇਕ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ? ਸੋਚੋ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਥੋਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਨਲਾਇਕ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਦਈਏ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੇ ਹੈ 10-12 ਸਾਲ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਨਲਾਇਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ 100% ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, 10% ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ 10% ਲਈ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਿਫਟ ਦੇ ਦਈਏ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰਾ ਦਈਏ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਨੈਕਸਟ ਵਾਰੀ 10 ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 20% ਲਊਗਾ, ਉਵੇਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 20 ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 40% ਲਊਗਾ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਲਾਇਕ ਨਾ ਕਹੀਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਚਲੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਸ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੋਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ SST ਫੇਅਰ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਡਲ ਬਣਾਏ, ਐਗਜੀਬਿਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਮੈਥ ਓਲੰਪਿਕ ਇੱਥੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 3 ਬੱਚੇ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਜੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਹੋਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿਵਾਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਿਭਾਈਏ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੈਲੇਂਜ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨੰਗੇ ਤਾੜ ਸੀ, ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪਏ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਲੇਂਜ ਆਏ, ਪਰ
वो चैलेंज जिहड़े सी तुहाडे सहयोग सदका असी जिहड़े के उन्हां चैलेंजां नूं दे नाल निजठदे गए ते उन्हां चैलेंजां नूं जिहड़ा के कोई अड़िका नहीं बन दिता। सो इस तरह ही सब तो वड्डा चैलेंज सीगा कि अपने स्कूल दी ग्राउंड दे विच इन्ना माड़ा हाल सी कि जिदा एक आप कह सकते हैं कोई जंगली एरिया होंदा है जिथे मच्छर मी पै जाए तो पानी बहुत सारा खड़ जाता सी। सो सारयां दे सहयोग नाल उत्थे आपां जिहड़ा कि वो ग्राउंड नूं पूरा करके एक वधिया बच्चियां नूं खेडण वास्ते एक चंगा ग्राउंड दिता। सो इस तरह ही टीचरां दी कमी करके चाहे वह प्राइमरी स्कूल दे विच टीचर घट सन चाहे हाई स्कूल च घट सन असी तुहाडे सारयां दे सहयोग नाल उन्हां टीचरां नूं प्राइवेट टीचरां नूं लैके आंदा। असी उन्हां नूं कोई तनखाह नहीं दे रहे सिर्फ उन्हां नूं असी मान सन्मान दे नाल उन्हां नूं इत्थे रख रहे हाँ तां कि बच्चों की पढ़ाई जिहड़ी है बेहतर बनाई जा सके। सो इस तरह के बहुत सारे चैलेंज हैं अज असी आस करते हैं कि साडे पिंड विचों जिहड़े प्राइवेट स्कूलों के बच्चे जाते हैं सो साडा जिहड़ा स्टाफ मेहनती है एजुकेटड है होनहार है उन्हां विच इक लगन है कि यह जिहड़ा पछड़िया जिहा पिंड का स्कूल खास करके जिन्हों आप कह दें दरियाई एरिए का स्कूल जिते बहुत घट सहूलत हैं वो स्कूल एक खास स्कूल बने जिमें कि पंजाब दे विच बहुत सारिया उदाहरण हैं जिन्हां कुछ इदा के स्कूल हैं कि उस स्कूल दे विच भावे जिन्ने मर्जी अमीर बच्चे हैं वह भी सरकारी स्कूलों पढ़ते हैं वह बड़े माण नाल कहते हैं कि साढ़े पिंड के बच्चा कोई भी प्राइवेट स्कूल दे विच नहीं जाता क्योंकि साढ़े स्कूल दे विच हालात ही इस तरह के बन चुके हैं कि सानू प्राइवेट स्कूलों की लोड़ नहीं पैंदी। मालवे का एक स्कूल इस तरह का है कि जिहड़ा सवेरे 9 बजे तो लेके रात तक उत्थे रौनक लगी रहती है उत्तों का स्टाफ इन्ना मेहनती है। सो असी भी चाहते हाँ कि साडे पिंड का जिहड़ा स्कूल है वह भी इस तरह का बने साडे पिंड के स्कूल लोग वेखण लई आउण चैनलां वाले वेखण लई आउण असी दावे नाल कह सकीए कि साडे स्कूल के बच्चों जिहड़े मर्जी बच्चे का तुसी कम चैक कर लो भी ये बच्चे अपनी पूरी तैयारी के नाल आउंदे हन ते पूरी मेहनत के नाल जिहड़ी कि टीचर पढ़ाउंदे हन। असी धन्नवाद करते हाँ साडे जिहड़े सहयोगी सज्जण भाई जी दर्शन लाल जी शाहपुर तो आए हैं जिन्होंने इस स्कूल नूं बहुत वड्डे सहयोग दिता है असी उन्हां दा जीआ कहिंदे उन्हां नूं हुण ते। सो इस तरह ही प्राइमरी स्कूल दे मैडम जी नीलू मैडम जी जिहड़े कि इकल्ले सीगे उन्होंने भी प्राइमरी स्कूल के बच्चों वास्ते अपने खर्चे से दो टीचर रखे सन ते ना कि बच्चों की जिहड़ी पढ़ाई नूं बरकरार रखा जाए फिर भी कोई चैलेंज आउंदा सी ते असीं उन्हां दे नाल खड़े रहे ते असीं आस करते हाँ कि सारे स्कूल चाहे वह प्राइमरी स्कूल है चाहे आंगनवाड़ी स्कूल है चाहे हाई स्कूल है उहदे विच जिस तरह का भी कोई चैलेंज आएगा असी सारे एक दूसरे के सहयोग नाल इस स्कूल नूं बेहतर बनाउण दी हर वो हीला वरतांगे। खास करके साडा जिहड़ा NRI सहयोग ग्रुप है विदेशां दी धरती ते बैठे साडे ओह दानी सज्जण जिन्हां ने 24-24 घंटे मेहनत करके अपनी नेक कमाई दे विच्चों इस स्कूल नूं बेहतर बनाउण वास्ते हर तरह का हर संभव सानू सहयोग नेता जिहड़ा इक वादा कीता है असी उन्हां दे सहयोग नूं तो असी इस स्कूल नूं होर बेहतर बनावांगे। उन्हां दा दित्ता है सहयोग कदी नजायज नहीं किते वरत्या जाएगा ते असी आस करते हाँ सारिआं तों कि इस स्कूल वास्ते अपना जिन्ना भी कोई योगदान पा सकता है मैं अपील करांगा बच्चों के मापिआं नूं कि जिस तरह आप प्राइवेट स्कूलों के विच किन्ने किन्ने पैसे बच्चे से खर्च आता है जेकर आप 1000-2000 रुपया भी स्कूल लई
साल दे विच इक वार दे दिए स्कूल दी कमेटी नूं ते मेरे ख्याल च स्कूल किसी प्राइवेट स्कूल तो घट नहीं रहेगा। सो मैं ज़्यादा कुछ ना कहता है, मैं दो चार गल्लां होर करके समाप्ति करांगा। असीं चाहुंदे आ कि साडे बच्चे जिहड़े आ उन्हां वास्ते कोई चंगे कोच होण, वो गेमां दे विच अवल होण, ते असीं उन्हां नूं भी विशेष सन्मान करांगे। असीं जिस तरह कोई चंगा जिहड़ा भी टीचर साडा कोई विशेष उपराला करेगा उन्होंने बच्चे वल होणगे ते उन्हां नूं असीं विशेष तौर पर सन्मान करांगे। असीं आस करांगे कि साडे पिंड दे साडे स्कूल दे टीचर भी उन्हां नूं भी कोई इस तरह का, क्योंकि मैं ज़्यादा जज्बाती होया क्योंकि मेरे को अज खुशी नहीं इन्नी समाई जा रही कि असी अज सानूं एड्डा वड्डा सहयोग मिलिया। असीं चाहुंदे आ कि साडे स्कूल दे जिहड़े टीचर आ उन्हां नूं भी स्टेट अवार्ड नाल सम्मानित किया जाए, तो सानू उस दिन बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि जिस दिन साडे स्कूल के टीचर की मेहनत एक दिन स्टेट अवार्ड तक पहुँचे। सो इस तरह ही आप लगातार जिहड़ा भी कोई चैलेंज आना है उस चैलेंज नू पूरे ध्यान के नाल आपां सर करते हुए एक दिन अपने मुकाम पर पहुँचेंगे। तो बड़े माण नाल कह सकेंगे कि साढ़े पिंड के जिहड़े स्कूल के बच्चे हैं वह किसी मुकाम पर पहुँचे हुए हैं, चाहे वह खेडां विच होण, चाहे एजुकेशन विच होण, किसी तरह का भी वह अगे जाते हैं तो असं उन्हों का विशेष सन्मान करांगे। इस तरह ही जिहड़े बच्चों की वध हाजरी होया करेगी लगातार स्कूल विच हाजिर रहेंगे उन्होंने भी असं विशेष सन्मान देंगे। सो ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ मैं इतने समाप्ति करता हाँ। आए हुए सारे मेहमानों का तहे दिलो धन्यवाद। सत श्री अकाल, वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। थैंक यू सर। जिवें कि डॉक्टर हरभजन जी बहुत वधिया विचार दे के गए ने, शायद सारे ने सुनिया भी होगा, बहुत तरीके नाल सुनिया होगा कि टीचर बहुत कुछ कर सकता है। गुरद्वारा साहब के जो सम्मानित किया गया सी, मैं दो शब्द कहे सी कि जे तुसी पिंड वासी साथ दोगे असी यही स्कूल नूं एक अहिजा मॉडल स्कूल बना देंगे कि कोई भी पेरेंट्स अपना बच्चा प्राइवेट स्कूल च नहीं भेजूगा। क्यों? क्योंकि मेरे जो फादर साहब से डैडी से उन्होंने शुरू तो मैं एक ही लाइन सिखाई सी, कहते बेटा अ टीचर इज लाइक ए कैंडल हू बर्न हिमसेल्फ टू लाइट्स अदर, कि एक टीचर मोमबत्ती दे समान है जिहड़ा कि खुद जलदा दूजे नूं रोशनी दिंदा। तां टीचर दा समान बहुत जरूरी है, जिवें कि हरभजन जी कह के गए ने, जे अगर आपां टीचर नूं अगे रख के चलांगे तां स्कूल दी बहुत तरक्की होगी। साडे सारे स्टाफ वाले बहुत हिम्मती है, बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ है, असी सब मिल के स्कूल नू बहुत बड़े लेवल पर पहुँचा देवे। तो इस तो बाद असी उन्होंने बहुत बहुत आभारी हाँ कि जिन्होंने सहयोग किया, उन्होंने सहयोग नाल अज असी इस लेवल का प्रोग्राम करन दे विच कामयाब हुए हैं। तो जिन्हां दे विचों साढ़े विच आए ने चौधरी हरमेश लाल शाहकोट तो, प्लीज कम ऑन द स्टेज। मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन्होंने कि प्लीज उस स्टेज पर पहुँचन, तो साढ़े कमेटी मैंबरस न भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आन तो इन्हों सम्मानित कर। साढ़े इंचार्ज सरदार दलवाग सिंह जी, सरदार दलवाग सिंह जी, सरदार दलवाग सिंह जी, योगदान पाया गया उन्होंने अजीत सिंह इटली तो, इन्होंने असं बहुत बहुत जरूर धनवादी हाँ जिन्होंने सारे पिंड की नगर पंचायत को मेरा बहुत बहुत सत श्री अकाल, वड्डियां नूं बहुत बहुत उन्होंने आशीर्वाद लवेंगे। तो ये बहुत चंगा काम है, तो बच्चे जिहड़े आ जिन्ने आ बहुत प्यारे आ, तो मैं कहिंदा बच्चो हार्डवर्क करो, जिन्ना जिन्ना तुसीं हार्डवर्क करोगे उन्ना ही सक्सैस तुहानूं लाइफ मिलेगा। तो जिद्दां अपनी पंजाबी की कहावत आ, जिन्ना गुड़ पावांगे उन्ना ही मिठा मिलेगा।
मेरे वाल देख लो, मैं 2007 दे विच बाहर गया सीगा, उत्थे स्टडी कीती आ, उत्थे फिर मैं पीआर होया, आ के इत्थे मैं अपना चंगा बिजनेस सेटअप कर लिया। मैं उत्थे रहना पसंद नहीं किया, इत्थे रहो, काम करो, जिन्ना तुसीं हार्ड वर्क करोगे, सिंपल लाइफ बहुत सौखी आ, वैरी सिंपल आ, तुहाडे टीचर भी दसदे आ, जिन्नी मेहनत करांगे उन्ना ही सानू फल मिलेगा। तुहाडा बहुत बहुत थैंक्स सारिआं दा। इस तो बाद साढ़े को कुछ दान राशि आई ने, उस सम्मानित सरदार सुरजीत सिंह जी ने 500 रुपया दिता है। इन्होंने जोरदार क्लैपिंग। हम मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरदार सुरजीत सिंह जी एक बार स्टेज पे आन ते अपने विचार साढ़े नाल सांझे कर। वाहे जी का खालसा, वाहे जी की फतेह। एक बले सो निहार, बले सो निहार। ते गलती होर माफ कर देना कि पहले मैं स्टेज बोलन लगे हाँ तो मेरी ना लत्तां कंबदियां, पहला नहीं ना सन हुण बकायदा असीं बच्चों दियां डायरियां लावांगे, रोज डायरियां ते टीचरां सैन होया करनगे, जे उहदे ते जदों घर जाएंगे बच्चे मां प्यो तो सैन कराया करेंगे, जिहड़े बच्चे ने सैन ना किए गए बच्चे को पूछा जाएगा तू सैन नहीं किए, ठीक है जी। हूँ जो पिछे होना से हो गया, एक हूँ स्टेज की गल दस दें, एक विष्णु साहब ने ना हाउस बनाए से पांचवें बच्चों के स्टेज पर बोलने लिए, वो मैनू बहुत पसंद आए हैं, क्यों जी यही जहाँ स्टेजा से बोलने का मौका दिता जाए, अज लत्त नहीं कमनिया से मेरी जब पहला कोई ये काम होंगे तो। वाहे जी का खालसा, वाहे जी की फतेह। तुहानू लग रहा क्या, देखो मेरी लत्त कमदिया लगता नहीं कम रहा ना। नैक्सट मैं बुलाना चाहूँगा सरदार बलविंदर सिंह जी कि वह आन तो साढ़े नाल विचार साझे कर। सरदार बलविंदर सिंह जी एक बार जोरदार गल सुन। अज पिंड बाऊपुर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के रिजल्ट दरम्यान सारे दोनों सारे स्कूलों के स्टूडेंट साहबान, सारे टीचर साहबान, सरपंच जी, लगन वासी, मेरिया भैन, मेरे भरा, छोटे छोटे बच्चों के बड़ी खुशी है कि अज वे पद्धर से एक इतिहास नवा बनया है कि आप सारे इकट्ठे होकर अज सैलीब्रेट कर रहे हैं। सो मैं आप सब नूं जीया आखदा हाँ, इन्नी मेहनत की टीचर साहबान ने, उन्होंने बड़ी वधिया प्रबंध किया, चाह पानी का अरेंजमेंट किया, उन्होंने भी जिन्हें भी सरकारी टीचर ने, प्राइवेट टीचर ने, साड़ी प्राइमरी वाले टीचर साहबान मुख अध्यापक जी वो भी बैठे हैं। मैं थोड़ा दसनी चाहता कि इस नगर की शुरुआत जो हुई है 1971 के जो ये स्कूल प्राइमरी स्कूल बनाया गया, तो साडे भाई साहब वड्डे अमरीका तो जिहड़े NRI ने वो अज आए हुए हैं कि इन्हां दी बदौलत, इस पढ़े लिखे परिवारां दी बदौलत ये स्कूल बनिया। और मैनू सब तो वड्डी खुशी है इस पिंड तो कि मैनू, मैं पहला स्टूडेंट हाँ कि उस स्कूल तो इट्टां वाले कच्चियां इट्टां वाले ते घरां दे विचों गोहा लिपण फेर के उत्थे बैठ के पढ़न वाले, आप ही चुक के लियाउण वाले, आप ही फेर के उत्थे पढ़न वाले, मैं पहला इंसान है कि जिन्हें मैं ग्रैजुएशन की, BA की, और BA करन तो बाद मैं MA च पढ़न दा भी सवाग प्राप्त होया। उस तो बाद मैं बहुत सारे स्कूलों के पढ़िया, बहुत सारे कॉलेजों के पढ़िया, तो बड़ा माण महसूस होंदा कि एक इहो जिहे स्कूल दे विच जिथे बहुतियां सहूलतां नहीं सी उत्थों मैं पढ़ गया। मैं बेटा छोटे छोटे बच्चों को दसना चाहुंदा कि जे असी इहोजे हालातों के दीवियां के लो के उपर पढ़ सकते हैं तो अज तो सहूलत ही बड़िया बहुत ज्यादा ने। मैं हैरान सी, सानू टीचर साहबान जिन्हें भी आ सारे उन्होंने सानू प्रोजैक्टर दिखाए, मैं स्टूडेंट के नाल सलाह की कि थानू चलाना आना, थानू समझ आती है, तो कहा कि सानू आउंदा है, सानू चलाना आउंदा है। तो हैरानी होंगी है कि जे इन्ना कुछ होने के बावजूद जिन्हें टीचर साहबान ने वैल क्वालिफाइड ने, और
जो क्वालीफाइड ने और साडा सहयोग बन जाए। मैनू याद है मैं अपने पेरेंट्स टीचर के पेरेंट्स को भी दसना चाहना जो तुम बार बार विश्व जी भी कह रहे थे कि थोड़ा पीटीएम जी मीटिंग है वो आना बहुत जरूरी है। असी जो स्कूल पढ़ते सी तो साढ़े शकल के ना के भाई साहब वालों की शकल के ना का बंदा को इंटर करता सी तो सानू डर पैदा हो जाता सी कि साढ़े भरा मगर आ गया हूँ सानू पढ़ना पैना कित साड़ी शिकायत ना चली जाए। एक दूजे की शिकायत जिहड़ी बच्चे ने तुहाडे विच कोई घर की प्रॉब्लम हो टीचर साहबान दसनी होंगी है कि साडा बच्चा घर में खराबी करता थोड़ा जहाँ सुधारो। तो जे कद स्कूल कोई प्रॉब्लम आती है तो टीचर दस सकते हैं कि हाँ बई थोड़ा बच्चा आ कम नहीं करता तुसी उहदे ते कम करो। क्योंकि मैं जिंदगी का तजर्बा मैं बहुत पढ़ाई की मैं खुद क्वालीफाइड हायर एजुकेटड हाँ मेरे बच्चे भी एजुकेटड हाँ वो पढ़ लिख गया है जिथे सानू हजार फीसा दे के मैं प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने का मौका मिले। मैं इस स्कूल दे विच मेरे दोनों बच्चे भी इस स्कूल दे विच पढ़ के गए अज एक विदेश दे विच है एजुकेट उ जिहड़ा स्टडी वीजे ते पहुंचा है वड्डा काका एम ए कर गया एम ए करके उहदी वड्डी सोच है कि मैं डीसी बनाव। तो इस करके मैं आप सब नूं चाहुंदा कि बच्चे तुसीं भी तो चाहते हो गए मैं बच्चों नाल भी गल करनी चाहुंदा बच्चे पढ़ के अफसर बनना चाहते हो नौकरी करना चाहते हो ना तुसीं भी चाहते हो ना सारे तो फिर तुहाडे कोल इत्थे कोई कमी नहीं अफसर बनने की कोई कमी नहीं क्योंकि थोड़े को टीचर बड़े क्वालीफाइड के अफसर बन जाए। पेरेंट्स इन्हें बैठे आ मेरिया भैन बैठी चाहते हो ना कि साढ़े बच्चे अफसर बन जाए तो फिर सानू थोड़ा जहा बदलाव जरूर करना पेगा। सानू अपने घर का माहौल जोड़ा वह भी वधिया करना पेगा। इस तो अलावा स्कूल का माहौल वधिया बनाने के लिए भी सानू कुछ करना पेगा क्योंकि बच्चों मैं थोड़ी एक गल दसनी चाहना जो तुम पढ़ाई करते हो दसवीं बारहवीं अठवीं पंजवीं चौथी किसी का अद्धा नंबर घट जाए तो वह सैकंड रह जाता ज थर्ड रह जाता जई बार फेल भी हो जाता। तो जे कि थोड़े नंबर पूरे बढ़ जा पास तो पहले नंबर च भी आ सकते हो कोई चक्कर नहीं अज तुम थोड़े तो कोई फस्ट सैकंड थर्ड थोड़े ही आने हैं तो लेकिन थोड़े थोड़े नंबर तो जो कोई पिछे भी रह जाए तो मायूस नहीं होना डरना नहीं कि मेरे नंबर क्यों नहीं आए अगे तो मेहनत तगड़ी करनी है। तो यही जी थोड़े पास होने की गल है यही थानू जो तुम टीचर बनोगे तो उत्थे भी थोड़े नंबर अद्धे पॉइंट तो भी पिछे रह सकते हो जो तुम डीसी बनना चाहो तो उत्थे भी थोड़े पॉइंट नजर आएंगे तो तुम पॉइंट जे तो वैने तो ये पॉइंट लैके इतने अगे बढ़ना। तो मैं क्योंकि लंबी ज्यादा गल कर गया देखो क्योंकि मैनू तजर्बा मैं ज़्यादातर पढ़ चुकिया क्योंकि बाऊपुर तो पढ़िया फिर मैं बग्गा स्कूल तो पढ़िया फिर मैं नंदन पिया स्कूल तो पढ़िया फिर मैं ग्रैजुएशन नैशनल कॉलेज नकोदड़ तो की और लैलपुर खालसा कॉलेज तो मैं एम ए करता रहा और फगवाड़े पॉलीटेक्निक कॉलेज मैं उत्थे भी पढ़िया। तो जिंदगी का तजर्बा जिहड़ा सांझा करूँ मैं किसी के घर भी जाना तो मैं सब तो पहला बच्चे को देखता कि बच्चे किहड़ी क्लास पढ़ता ताकि साड़ी सलाह के नाल थोड़ा जहा वो अगे वध जाए। तो मैं आप सब साड़ियां जिहड़ियां भैन बैठिया जिन्हां दे बच्चे साढ़े भरा बैठे जिन्हां दे बच्चे आ मैं थोनों इको गल दसदा कि जिदा का इतने स्टाफ सारा मेहनती है स्टाफ और बच्चों के पेरेंट्स और बच्चे ये तिना का तालमेल बन जाए तो इन्हों कोई ताकत नहीं रोक सकती जिंदगी कोई अफसर बन तो ये देश विदेश में पढ़ सकते हैं। तो इस करके मैं बहुत लंबी गल लै गया गलों का बहुत सारिया करने वाली हैं क्योंकि साडा सहयोग सदा ना रहेगा। बच्चे बाहर बैठे आ भाई साहब अमरीका पहली बार गया सी सारा इलाका ही बाहर चले गया अज होर बाहर जा रहे हैं तो अज उन्होंने भी असी तजर्बा उन्होंने तो भी लेना कि दो मिनट वो साढ़े नाल जी बाहर की सारी गलबात रखे। तो इस करके मैं अपने जिन्हें भैन भरा बिना पोलीटिकल लाइन तो यही काम करना होगा कि साढ़े बच्चे जे पढ़ लिख के अगे जा और इलाके का ना रोशन कर। मैं टीचर साहबानों बार बार दोबारा फिर बधाई देना कि तुम इन्ना प्रबंध किया जिन्हें भी नगर निवासी उन्होंने सारा साथ दिता अगे तो साथ देंदे रहेंगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। तो यह जरूरी नहीं होता कि बच्चा रंग का होर है ये पढ़ नहीं सकता ये गरीब है पढ़ नहीं सकता। मैं जिंदगी दे विच अफसर वेखे है जिहड़े
बेचारे लोग जिहड़े दिहाड़ियां करन वाले लोग उन्हां दे बच्चे जज बनते देखे, उन्हां दे बच्चे डीसी बनते देखे है। एको एक जज्बा होना चाहिए कि मैं कुछ करना तो करके तुसी देश दे विच बहुत वड्डा अपने पिंड का नाम रोशन कर सकते हो, इलाके का, स्कूल का, माँ प्यो का। तो इस करके मैं ज़्यादा लंबी गल ना करा क्योंकि बच्चों तुसी पढ़ना है ना, ठीक है ना, तगड़े हो गए पढ़ना है, इत्थे भी पढ़ना है, घर भी पढ़ना है, कोई भी मजबूरी हो दसना है। फिर भी किसी कोई फीस प्रति या किसी प्रति किसी प्रॉब्लम आ रही है किसी पेरेंट्स को, तो साढ़े नाल स्टाफ ना साढ़े नाल गल साझी जरूर करनी है क्योंकि ये प्रति ये तो कोई वांझा ना रह जाए, कोई घर दी मजबूरियां तो कोई बच्चा वांझा ना रह जाए। तो इन्हें ही कहता हुआ मैं थोड़ा माफ़ी चाहता, मैं लंबा समा लै गया, तो मैं सारे स्टाफ को धन्यवाद करता हाँ कि तुम मैं बोलने का मौका दिता। अगे भी थोड़े नाल इतने आते रहेंगे, गलबात करते रहेंगे। इन्हें ही कहता हुआ वाहगुरू जी का खालसा, वाहगुरू जी की फतेह। इन्होंने बलविंदर सिंह जी ने बहुत वधिया व्यूज अपने अपने विचार रखे ने, तो मैनू भी उम्मीद है कि तुसी इन्हां दे व्यूज ते अमल करोगे कि जे ये उस कंडीशन दे विच पढ़ सकते ने। अज कंडीशन की है, अज तुहाडे कोल सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, तुहाडे पेरेंट्स भी इन्ने कैपेबल है कि तुहानू पढ़ा सकते हैं। तो मैं ज़्यादा गल ना करता हुआ, साढ़े कुछ धनी सज्जन ने उन्होंने हुणे हुणे दान राशि आपां नूं दित्ती है, असीं उन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जिन्हां दे विच दया सिंह जी 500 रुपया डोनेट करिया, अमरजीत सिंह जी 1000 रुपया क्लैपिंग, ते प्यारा सिंह जी USA तो जिन्होंने 5000 रुपया दिता, असीं बहुत बहुत धन्यवादी हैं। ते मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सरदार प्यारा सिंह जी 2 मिनट ले आन, सिर्फ 2 मिनट ले, जोरदार क्लैपिंग। धन्यवाद जी। पिंड का नगरवासी, सरपंच साहब, प्रिंसीपल साहब, स्टाफ ते प्यारे बच्चे, मैं तुहानू अपनी कहानी दसना चाहुंदा। मैं इस पिंड दे विचों नंगल लंबिया स्कूल तक नंगे पैरी 10वीं क्लास पास की है, और अज तक मैं वेखदा भी बड़ा रौनक है, बड़ी लगियां हुई ने। जब मैं स्कूल जाता सी पूरी रेता होंगी, मैं अग के पत्ते पैरों से बन के रेता बहार करके फिर स्कूल जाता है, तो वापसी भी इस तरह होती, कभी पानी आ गया उधर चढ़ के जाना पैंदा सी। अज तो सारिया सहूलत ने, तुसी बड़े चंगी पढ़ाई कर सकते हो। साढ़े को एक टाइम खाने की रोटी होंगी, तुसा जन्म नहीं होंगी, अभी परमात्मा ने किसी गल की कमी नहीं रखी। तो ठीक है, साढ़े जिन्हें सहयोग की लोड़ होगी स्कूल नू, स्टाफ नू, साढ़े नाल तुसी टच रहना है, तो असं अपने गायन ने जी बनाया ग्रुप वो जिन्ना भी साढ़े को योगदान पै सके आप दे रहे। तो पिछले दिन ही मैनू सेवा का मौका दिता इन्होंने, टीचर साहबान ने कहते ने भी साड़ी स्टेज तैयार करो पिछले पासे, ताकि यहोजे फंक्शन उत्थे कराने वेले आपां नूं प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, इत्थे थोड़ी जगह तो नाल शुरुआत इस तरह होंगी है, इन्हू दायरे नूं वड्डा करना है, टेंट लावांगे, वधिया तरीके नाल पक्खे लगे होणगे, आया का सन्मान करांगे। बाकी मैं ज़्यादा कुछ ना बोलता हुआ सारे का धन्यवाद, मैनू इतने तुम बोलने का मौका दिता। हाँ जी, तो अगे तो भी जो कि आवेंगे वापस मिलते रहेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो एक मिनट प्लीज सर, रिक्वेस्ट करना कि वो आन, तो साढ़े इंचार्ज दिलबाग सिंह जी कि स्टेज पर आन, तो इन्हों आप सम्मानित करिए। जोरदार क्लैपिंग,
इस तो बाद एक दानी सज्जन होर ने बच्चों ने जल्दी जल्दी पहुंचना है ठीक है। तो साढ़े कमेटी मैंबर्स मैं रिक्वेस्ट करना कि वो आन तो बच्चों हौसला अफजाई कर। कमेटी मैंबर्स पहला सिक्स क्लास के पवनप्रीत कौर प्रिया कमलजीत सुनीता काजल सिक्स क्लास ये बच्चों ने इंग्लिश ते एसएसटी फेयर इंग्लिश ते एसएसटी फेयर दे विच मॉडल बनाई सी। नेक्स्ट जेडे बच्चे ने वो इधर अगे आगे खड़े हो जान सेवंथ क्लास दे सेवंथ क्लास तो मोनिका नीलम मनीषा जसप्रीत कौर सुमन सभी प्राइज दिता जाऊगा। चलो बेटे सेवंथ क्लास इन्होंने भी जोरदार क्लैपिंग देखो जो चक्कर प्राइज मिलते हैं साढ़े पिंड बंदियों क्लैपिंग नहीं आ रही भाई दसो एक बार पिंड बंदियों जोरदार क्लैपिंग हाँ जी क्यों तुम्हें भी खुशी होनी चाहिए है तुम्हारे बच्चे हैं सारे है जी। नैक्सट एट क्लास के सुखमनजोत कौर सुखमनप्रीत अमन पूजा हाँ जी एट क्लास के बच्चे टेंथ क्लास के बच्चे आएंगे टेंथ क्लास के बच्चे ब्लॉक लैवल से गए थे बहुत वही गल है उन्होंने भी जोरदार क्लैपिंग जल्दी आओ बेटे जल्दी टेंथ क्लास के हम साइंस फेयर के बच्चे एक बार नजदीक पहुंच जान साइंस के राजन सर राजन सर जल्दी अगे आओ कोई नहीं क्लास प्रिया सिक्स क्लास जल्दी तो जल्दी बेटे जल्दी तो जल्दी पहुंचो साइंस फेयर वाले जिन्होंने एग्जीबिशन किया ब्लॉक लैवल तक पहुंचे थे बच्चे अपने दोबारा जल्दी जल्दी साइंस फेयर का कोई बच्चा रह ना जाए भाई बाद किसी की कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए बच्चे की साइंस फेयर के सुमनप्रीत सेवंथ क्लास जल्दी तो जल्दी तिने बच्चे पहुंचो मैथ लई जोरदार क्लैपिंग भी कुछ बच्चे सिलेक्ट हुए थे उन्होंने सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं तो उन्होंने भी प्राइज दिता जा रहा जिदे मन्नत मन्नत कबड्डी लिए गए थी सपुत्री सलीम बेग मन्नत क्लैपिंग करते रहो बेटे अमनदीप सिंह सनो पुदा सिंह अमनदीप सिंह जल्दी बगा सिंह काजल डॉक गुरबख सिंह जल्दी जल्दी पहुंचो बेटे जल्दी जल्दी संदीप कौर डॉक करनैल सिंह निशा डॉक पिपल सिंह जगराज सिंह सुपुत्र दर्शन सिंह सतनाम सिंह सन ऑफ अमरीत सिंह जल्दी जल्दी पहुंचो बेटे जल्दी जल्दी इस बच्चों ने कबड्डी में मुखी ने पहला सरदार दिलबाग सिंह जी उन्होंने सम्मानित करेंगे कमेटी मैंबर्स प्लीज इन्होंने सपुत्र साढ़े स्कूल का नाम रोशन किया एक बार जोरदार क्लैपिंग भी साढ़े एक टीचर ने बहुत मेहनती टीचर ने जेडे कि देखो कल्ले सारा स्कूल संभाल सकते ने असि पांच जने नहीं संभाल रहे कल्ले संभाल रहे हैं मैडम नीरू प्लीज कम ऑन द स्टेज मैडम नीरू इतने बुला चाहूँगा जेडे अपने स्कूल के समूह स्टाफ है
कुलदीप सिंह जी, मैडम अमन, मैडम बलजी, बाकी दिलबाग सर, राजन सर, गुरदीप सर मेंबर्स ने इना सहयोग दिता। प्राइमरी स्कूल मैडम नीरू लियाओ जी, सारे यही स्कूल वाले तैयार करके साडे कोले भेजदे आ, तां इन्हां लई जोरदार क्लैपिंग। सो बड़े अफसोस नाल कहना पै रहा कि जिहड़े पहलों अपने स्कूल दे चेयरमैन सन बाबा मलकीत जी इस दुनिया ते नहीं रहे, उन्हां दा इक सपना सी कि स्कूल नूं आपां किसी मुकाम ते लैके जाणा। मेरी लगातार उन्हां दे नाल गलबात चल रही सी, असीं जितने इत्थे मीटिंग ते बैठे सीगे ते उन्हां नूं सद्या सी, पर कुदरत नूं कुछ होर ही सी मंजूर कि उह करोना दी लपेट विच आ गए ते उह दाखल सीगे। मैं जितन इत्थों मीटिंग समाप्त हुई ते मैं शाहपुर नूं जा रहा सी ते मैनूं रस्ते दे विच कई वारी फोन लगाया लेकिन फोन नहीं चक सके, ते ओ मनहूस खबर जिहड़ी जदों शाम नूं सानूं मिली कि बाबा मलकीत सिंह जी इस दुनिया 'च नहीं रहे, बड़ा दुख होया कि वह बहुत मेहनती सी, समाज सेवी सी, उहदा सपना सी कि समाज दे विच कुछ चंगा करके जाइए। असीं आस करदे हां अज उहनां दा बेटा साडे कोल आया है साडे छोटे जिहे सद्दे ते, ते असीं उहनां दा जीआं वी उहनां नूं कहिंदे हां ते उहनां नूं असीं उन्हां तों आस करते हैं कि जिहड़े बाबा मलकीत सिंह जी का सपना सी उन्हां नूं पूरा करन वास्ते अपना पूरा सहयोग करनगे ते असीं अज उन्हां नूं सन्मान भी करांगे। ते मेरी बेनती है कि बाबा मलकीत सिंह दे बेटा स्टेज ते आउण ते अपना सन्मान लैण। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। प्यारे बच्चिओ, अज तुसी मैनूं इत्थे सद के समूह स्टाफ मैं तुहाडा शुक्र गुजार हाँ कि तुसी मैनूं इत्थे बोलण जोगा बोलण दा समां दित्ता, क्योंकि मेरे पापा सीगे जिहड़े उन्होंने बहुत समाज सेवा की, मैं उन्हां वर्गा बन के समाज नूं दिखाऊंगा। मैं कोशिश कर सकता वा कि जिदा वह बोलते सके जो समाज के विचरते सके समाज सेवा करते सके भी उन्होंने नक्शे कदम से चल सका, मैं यही कर सकता। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। साढ़े स्कूल के समूह स्टाफ मैंबरस इतने पहुँच जा, क्योंकि हुण एनुअल रिजल्ट डिक्लेयर कर जा रहे हैं असीं। जो जो बच्चों ने जिवें जिवें परफॉर्मेंस दिती है, जो कुछ रिटन एग्जाम के रिजल्ट आ वो तुहाडे सामने आ, ते नाल ही असीं धन्नवाद करना चाहांगे साडे कैमरामैन दा, इन्हां ने भी बहुत जोरदार क्लैपिंग, क्योंकि ये टाइम टू टाइम अपनी सेवा दिंदे रहिंदे ने, ता इन्हां लई भी बहुत बहुत क्लैपिंग। साडे सिक्स्थ क्लास सिक्स दे विच जो बच्चा थर्ड पोजिशन ते है, देखो पहली गल मैं तुहानूं क्लीयर कर दिया कि जे कोई बच्चा एक दो नंबरां ते इधर उधर रह गया उन्हें महसूस नहीं होना, एक स्टार्टिंग है, इस तों बाद हले बहुत लाइफ पई है, तुहाडे कोल बहुत क्लासां पईआं है, उहदे विच आ जी परफॉर्मेंस दिखाउणी आ। तां थर्ड पोजिशन दे विच सुनीता जोरदार क्लैपिंग, सिक्स क्लास थर्ड पोजिशन ते सुनीता जल्दी तो जल्दी बढ़े आओ। पवनप्रीत कौर सैकेंड पोजिशन ते, पवनप्रीत कौर ते जो फर्स्ट पोजिशन ते है वो है प्रिया, फर्स्ट पोजिशन ते प्रिया, बेटे जल्दी पहुंचो, इन्हां लई जोरदार क्लैपिंग। साडा समूह स्टाफ हरप्रीत सैवंथ क्लास के लिए जोरदार क्लैपिंग।
जो कि थर्ड पोजीशन पे है सेवंथ क्लास। सेकंड पोजीशन सुमनप्रीत कौर, सेकंड पोजीशन सुमनप्रीत कौर, जो कि फर्स्ट पोजीशन है वो बच्चा ले गया मोनिका। जोरदार क्लैपिंग। ये साडे बच्चे जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे पहुंचे ने नाइन्थ क्लास दे विच, जो कि थर्ड पोजीशन पे है वो है मनजोत कौर। मनजोत कौर थर्ड पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन सुमनप्रीत, सेकंड पोजीशन सुमनप्रीत, फर्स्ट पोजीशन पे कौन होगा? टाबर काजल। सही गल है। जोरदार क्लैपिंग, जोरदार क्लैपिंग। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे, यही बच्चे साडे बाउकोर स्कूल का नाम रोशन करनगे। नैक्सट इलेवंथ क्लास, इलेवंथ क्लास के थर्ड पोजिशन से है सरबजीत कौर। थर्ड पोजिशन सरबजीत कौर, प्लस वन क्लास, प्लस वन दे बच्चे। सैकेंड करण, सैकेंड पोजिशन से है करण, क्लैपिंग। फर्स्ट पोजिशन से है अमन, अमन फर्स्ट पोजिशन। ये साढ़े बच्चे ने जिन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे पहुंचे ने, एक करें जोरदार क्लैपिंग। थैंक यू। सारे स्टाफ का धन्यवाद करते हैं जेडे इतने पहुंचे। तो इस तो बाद सब बच्चे ध्यान दें कि टोटली सारे स्कूल लई डिक्शनरीज आई हुई हैं, देखो। तो वो बच्चे अपना पहला रिजल्ट लेंगे टीचर्स तो, नाल डिक्शनरी लेके जाएंगे। क्लीयर होगी गल? क्योंकि जे डिक्शनरी असं इतने देते इतों चले जाना सी, मैं पता तो इतों कोई बच्चा नहीं जाऊगा। सब बच्चे क्लास के टीचर्स तो रिजल्ट लैनगे, किन्ने नंबर आए हैं वो मार्क्स पूछेंगे, तो नाल डिक्शनरी लैनगे तो साइन करेंगे। क्लीयर होगी गल बी सारे? हेलो, जेडे बच्चे विशम जी हो रहा हमने बोलिया भी अपना रिजल्ट लैणगे, नाल उन्होंने पेरेंट्स जेडे भी टीचर को अपनी साल की प्रोग्रेस रिपोर्ट जी लेके जाएंगे। बच्चों के पेरेंट्स को पता लग जूगा भी साडा बच्चा किन्ने क मार्क्स केड़े सबजैक्ट लैके पास हो रहा वा। हरेक बच्चे के पेरेंट्स जेडे आ, जो छेवीं क्लास का बच्चा है तो नाल पेरेंट्स जो जाके टीचर के नाल जाऊगा, वो बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट जो सर्टिफिकेट भरे पे लैके जाएंगे। थैंक यू। तो प्लीज़ जानना एक बार पहला साढ़े स्कूल की फैसिलिटी अवेलेबल है, प्रोजैक्टर वगैरह वो देख, साइंस लैब देख, लिसनिंग लैब देख, कंप्यूटर लैब देख, कि स्कूल दे की फैसिलिटीज़ है उन्होंने पता हो, ठीक है जी। प्लीज़ जानना। तो एंड दे विच मैं एक बार फिर सारे कमेटी मैंबरस, सारे पिंड वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करना कि जेडे पहुँचे ने, ते इस प्रोग्राम नू असी अगे भी होर वड्डे लैवल ते करदे रहांगे, तां इहनां लई जोरदार क्लैपिंग। असी समाप्ति नैशनल एंथम तो करांगे। सारे कंप्यूटर वर्किंग चाहिए गए तो बच्चों को वधिया ढंग ने इतने अपना कंप्यूटर की सिखलाई दी जाती है कि सारे बच्चों छेवीं तो लैके बारहवीं जमात तक, ठीक है। 24 कंप्यूटर है अपने को जी, एक सारा प्रोजेक्टर हैगा वा, ये सारा वर्किंग चाहिए जी, ठीक है। इंटरनेट की फैसिलिटी भी हैगी इतने अपने लाइन के, ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਟਰਾ ਮੁਗਲੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏਐਸ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਇਓ ਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਹਰੇਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਰੱਖਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂਟੇਨ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਟੋਪਿਕ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਈਏ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਟੈਕਨੀਕਲਾਂ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਡ ਖੰਗ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਲੱਗਾ ਸਾਰਾ ਇਸ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੇਫ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਏ ਸੀ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੀਂ ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਨੌਵੀਂ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਰ ਮੋਸਟ ਕਲਾਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਇਕਿਪਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਇਕਿਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਕ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਜੀਟਲ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਅਸੀਂ ਈ ਬੁੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਬੈਗ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੈਡੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੋਪਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀਡੀਓ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਪ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਐਜੂਕੇਅਰ ਹੈ ਉਸ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸਭ ਕੁਛ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੁਵਿਧ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲੌਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਤਲਬ ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਤਲਬ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਤਲਬ ਪਲੱਸ ਵਨ ਪਲੱਸ ਟੂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਥ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਿੰਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੌਵੀਂ ਕਲਾਸ ਖੋਲ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਬਲੌਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਲੇਬਸ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਨਮੂਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੱਲ ਪੈਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਆਡੀਓ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸਾਇੰਸ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਰਹੇਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਜੂਸੈਟ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਟੋਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਟੋਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਚਿੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਚਿੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਜੀ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ।